अस्सलाम वालेकुम। हमारे बीच मौजूद है एक ऐसी शख्सियत कि जिन्हें तारुफ की कोई जरूरत नहीं, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के होल्डर, और अगर मैं बताता चलूं उनकी तारीफ तो शायद ये एपिसोड हमें कम पड़े। आप वैसे समझ ही गए होंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खतीब अकबर, मौलाना मिर्जा अतर साहब। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं मेरे पहले सवाल से। मेरा पहला सवाल ये है कि तालीम और एजुकेशन को लेके इस्लाम में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, उसके बावजूद लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं और ध्यान नहीं देते इस बात पे और जाहिल रह जाते हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे टैकल करेंगे और इसका सॉल्यूशन क्या है, आप बयान कीजिए। देखिए, बुनियादी तौर से हमारे पास तालीम दिन ब दिन घटती जा रही है और उसकी वजह यह है कि जब से ख़ास तौर से सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों के हाथ से इख्तदार गया और हुकूमत गई, उस वक्त से तालीम में हमारी जवाल शुरू हो गया और डाउनफॉल शुरू हो गया। और ये पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमान चूंकि तालीम में पिछड़े में हैं, इसका राज यह है कि हुकूमतों ने इमारतें बनवाने में और अपने महल सजाने में तो वक्त सर्फ किया और पैसा सर्फ किया, लेकिन मासेस के एजुकेशन के लिए या मासेस के लिए कुछ नहीं किया, जिसके नतीजे में वो लोग जो थे वो जाहिल के जाहिल रह गए और गरीब के गरीब रह गए। जबकि इस्लाम ने जो कुछ भी टीचिंग है इस्लाम की और जो कुछ बताया था उसके अंदर गरीब कमजोर तबका और वीकर सेक्शन जो है उसके वास्ते खास तौर से कहा था। रसूलुल्लाह की हदीस मौजूद है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, मुसलमान औरत मर्द पर फरीजा है कि वो इल्म हासिल करे। तो इस्लाम दीन इल्म था, इल्म हासिल करने के ऊपर जोर दिया गया। मौला अली जब खलीफा बनाए गए और जाहिर खिलाफत उनको मिली तो उस वक्त उन्होंने अपने पूरे मुल्क में एक सर्कुलर जारी किया अपने गवर्नरों को, जिसके अंदर ये लिखा कि खबरदार, तुम्हारे मुल्क में, तुम्हारे सूबे में जहाँ तुम्हारा इख्तदार है, कोई बच्चा बगैर तालीम के न रहे। इसका मतलब ये है कि मौला अली ने अपने दौर हुकूमत में बेसिक एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया था। तो आज से लगभग 1400 बरस पहले जिस मजहब में बेसिक एजुकेशन को कंपलसरी किया गया हो, आज भी वहाँ लिटरेसी रेट जो है वो 100% क्या 50% नहीं है। तो ये जो कुछ भी देन है ये हुकूमतों की ऐश परस्ती की देन है। अब इस वक्त मुसलमानों को ये चाहिए है कि अगर वो बाइज्जत जिंदगी गुजारना चाहते हैं दुनिया में या हिंदुस्तान के अंदर या सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो वो ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं। और तालीम का भी मतलब ये है कि एक आम तालीम होती है। आम तालीम लड़के को बीए करा दिया, कहता हमारा लड़का बीए है, बीएससी है, उसको जॉब नहीं मिलता, बेकार घूम रहा है, चपरासी का भी जॉब नहीं है, फोर्थ क्लास में भी कहीं जॉब नहीं है। तो दरहकीकत बुनियादी बात जो है वो ये है कि आप इस तालीम की तरफ ज्यादा तवज्जो न देते हुए आप टेक्निकल तालीम दिलवाइए, जॉब ओरिएंटेड तालीम दिलवाइए, या फिर लड़के को इतनी मेहनत कराइए कि वो कंपटीशन की एज में आके कंपटीशन करके वो आला तालीम हासिल कर सके। तो अगर वो कंपटीशन कर पाता है और मुकाबला कर पाता है जब तो सरवाइव करेगा, वरना वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। बेसिकली ये बोलना है कि दुनियावी और दीनी तालीम दोनों जरूरी है ताकि जहालत, हाँ जहालत दूर हो। आजकल खवातीन पे होने वाले जुर्म और उन पे होने वाले जो क्राइम्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसकी आप कुछ सोल्यूशन बताएं और ये क्यों हो रहा है ये बयान कीजिए। देखिए, असल में खवातीन के ऊपर जुल्म आजकल ज्यादा हो रहे हैं, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। जुल्म आज के पहले भी बहुत हो रहे थे और आज भी बहुत हो रहे हैं। फर्क इतना है कि कल को मीडिया जाग नहीं रहा था, इसलिए बहुत से जुल्म जो है वो पर्दे में रह जाते थे। आज
मीडिया जाग चुका है और जो भी जरिए हैं, टीवी है, अखबार है, ये है, वो है, इंटरनेट है, तो उसके जरिए से वो खबर बहुत जल्दी आम हो जाती है। तो ये कहना है कि आजकल ज्यादा हो रहे हैं, कल कम हो रहे थे, ये तो गलत है। कल भी हो रहे थे और आज भी हो रहे हैं। इसकी कई वजह हैं। एक वजह तो यह है कि औरतों को जाहिल रखा गया है, जिसके नतीजे में इग्नोरेंस जो है और जहालत जो है, वो अपना हक नहीं जानती कि क्या है, उन्हें मालूम नहीं कि उनको कितने हकूक मिले हुए हैं। नतीजा ये होता है कि बहुत से जुल्म वो बर्दाश्त कर लेती हैं खामोशी के साथ, और वो ये समझती हैं कि हमारी ड्यूटी, हमारा फर्ज ही है कि हमें ये काम करना ही करना है। तो पहली बात तो ये है कि इग्नोरेंस की वजह से भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं। दूसरी तरफ समाज जो है वो ये फर्ज किए बैठा हुआ है कि खाना तो औरत को पकाना ही है, घर की सफाई तो औरत को करना ही है, बच्चे तो औरत को पालना ही है, जबकि इस्लाम ने ऐसा कुछ औरत के ऊपर कंपलसरी नहीं किया है, बल्कि औरत और मर्द मिलके घरेलू काम है, ये हैं, वो हैं, बहुत चीजें हैं वो कर सकते हैं। जैसे उसके हक का सवाल है तो खाना पकाना ये उसके लिए कंपलसरी नहीं है। आप शादी करके लाए हैं तो आपको चाहिए कि आप उसके लिए खाना पक्का पकाया मुहैया करें, अगर वो खाना पकाने से इनकार कर दे तो आपको उसके लिए खाना प्रोवाइड करना है। तो असल में ये चीज, या इस तरीके से निकाह और तलाक के मामले हैं कि जब वो निकाह करके चले गए, छोड़ दिया और कोई पूछने वाला नहीं है और उसका कोई जरिया भी नहीं है, तो जिस वक्त निकाह होता है उस वक्त अगर औरत कंडीशन कर ले कि अगर ऐसा 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 होगा तो मुझे हक तलाक हासिल है, मैं तलाक ले लूंगी, तो वो तलाक ले सकती है, शरीयत ने इसका प्रोविजन रखा है। लेकिन जिस वक्त निकाह हो रहा होता है उस वक्त तो सब अच्छा दिखाई देता है, और अगर उनसे कहिए कि भाई तलाक का हक ले लीजिए आप, उनका अरे खुदा न करे आप किसी मनहूसियत की बातें करते हैं, फुला करते हैं, निकाह तो होने दीजिए, आप तलाक की बात कर रहे हैं, और जब चार दिन के अंदर बात नहीं बनती है तो इस्लाम पर इल्जाम देते हैं कि साहब देखिए मुसलमानों ने कर दिया, मर्द के हाथ में दे दिया, अब घर में बैठी हुई है, न वो तलाक देता है, न वो पूरी डालता है, न वो खर्चा देता है। तो ये इग्नोरेंस जो है ये बहुत बड़ी मुसीबत है औरत के लिए। दूसरी बात जो है वो ये है कि जहां तक सेक्सुअल जराइम का सवाल है, उसके वास्ते हुकूमत को सख्त तरीन कानून बनाना चाहिए, और कानून के अंदर यह है कि हम जराइम की तो बातें अखबारों में पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद मुकदमेबाजी और बरसों मुकदमा चलना और अदालत में बरसों लगना और ये करना वो करना, बहुतेरे जो हैं वो प्रूफ जो हैं वो खत्म हो जाते हैं और लोग छूट जाते हैं, तो सजाएं उस हिसाब से नहीं मिलती। तो बुनियादी तौर से ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए जिसके अंदर लंबी मुद्दत तक मुकदमा न खींचे और 8-10 दिन के अंदर उसको फैसला हो जाए, उसका उसको जो सजा मिलना है वो मिल जाए, तो जराइम जो है वो कंट्रोल होंगे जी। और हमारा इस्लाम क्या कहता है अगर ऐसी सब चीजें होती है, कोई जुर्म करता है आमतौर पे? इस्लाम तो बिल्कुल औरतों की हिमायत में बात करता है और औरतों के ऊपर जुल्म करने का सख्त खिलाफ है जी। और इस्लाम तो बिल्कुल ही इन चीजों को नापसंद करता है। इस्लाम तो जो कुछ कहता है वो अगर हम अभी सब आपके सामने कहना शुरू कर दें तो चारों तरफ हाहाकार मच जाए कि हाँ ये क्या कह रहा है। लेकिन इस्लाम जो है वो बैलेंस का मजहब है, और उसने औरतों को इसीलिए ज्यादा हक दिए हैं कि मर्द उस पर ज्यादती ना कर सके। मौलाना साहब एक सवाल है, एक ही अल्लाह, एक ही पैगंबर, एक ही कुरान और एक ही किबला होने के बावजूद मुसलमानों में इतने इख्तलाफात हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए इख्तलाफात 1400 बरस से हैं और अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं। इख्तलाफात एक किताब और एक काबे के बावजूद भी इसलिए हैं कि किताब जो है उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो अलग अलग किया जाता है। हमारे मौलाना उसका इंटरप्रिटेशन अलग करते हैं, दूसरों के मौलाना उसका इंटरप्रिटेशन अलग करते हैं। इस्लाम में जितने फिरके हैं उतने किताबों के इंटरप्रिटेशन है, किताब तो एक ही है लेकिन उसके तौजीह तश्री जो है वो अलग अलग है। लिहाजा इसके अंदर देखना चाहिए कि कौन शख्स इस काबिल है कि जिसको अथराइज किया जाए कि कुरान का इंटरप्रिटेशन
वो सही कर सकता है तो सब मिलकर उसको फॉलो करें तो इख्तलाफ खत्म हो सकता है। और रही बात हमारे जो भाई है, जो हमारे जो मुसलमान भाई है जितने भी, ताकि वो अलग अलग जो भी कास्ट और सेक्स के जो भी है, वो उनके बीच में हम भाईचारे की कैसे बढ़ा सके, उसके लिए आप कोई हमारे मैसेज दे पाओगे कि क्या? देखिए, भाईचारे की बढ़ने की बात जहाँ तक है, उसमें तो ये है कि आपस में आदमी टॉलरेंस पैदा करे अपने अंदर और अपने पड़ोसी के जज्बात का एहतराम करे तो ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अगर पड़ोसी के जज्बात का एहतराम न करके और टॉलरेंस न पैदा करके हम झगड़ा करने को तैयार हो जाएं तो नहीं हो सकते। तो उसके अंदर पड़ोसी के जज्बात का एहतराम जो इस्लाम ने हुक्म दिया है और टॉलरेंस पैदा करना, ये जरूरी है, कुव्वत बर्दाश्त पैदा करें। मौलाना साहब, आतंकवाद की इस्लाम में कोई जगह नहीं है, मगर जब भी टेररिज्म एक्टिविटी होती है उसके पीछे एक मुसलमान ही निकलता है। उलमा-ए-दीन इस बात पे कुछ क्यों नहीं बोलते हैं, वो कंडम क्यों नहीं करते, वो खामोश क्यों होते हैं? देखिए, अक्सर मुसलमानों के उलमा तो इसको कंडम करते हैं ज्यादातर, लेकिन मुसलमानों के अंदर एक तबका जरूर ऐसा है कि जो इसको कंडम नहीं करता है बल्कि इनकरेज करता है, और वो यूथ का ब्रेन वॉशिंग करता है और उनसे कहता है कि तुम ऐसा ऐसा करो तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी और दुनिया की परेशानियों से निजात मिल जाएगी। तो बहुत कम सीनी के साथ उनको ट्रेन करते हैं, उनके दिमाग में बिठा देते हैं, इसलिए वो टेररिस्ट बन जाते हैं। और मुसलमानों में वो एक तबका जरूर है कि जो दहशतगर्दी की हिमायत करता है, और ये तबका बहुत जमाने से मुसलमानों के अंदर है, ये कोई नई बात नहीं है। हम मुहर्रम भी जो करते हैं वो दहशतगर्दी के खिलाफ प्रोटेस्ट है जो करते हैं। तो आलिम-ए-दीन इस चीज को कैसे डील कर रहे हैं और ये इस चीज को खत्म करने की क्या कोशिश शुरू है इस्लाम में, और जो भी मजलिसें होती है और जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती है उसमें ये कैसे डील करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मजलिसों में तो आमतौर से कंडम किया जाता है, उसकी वजह यह कि मजलिसें जो है वो ज्यादातर शिया फिरके के लोग करते हैं, और शिया फिरके के अंदर कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल हो, और वो हो भी नहीं सकता है। इसलिए कि जो टेररिस्ट हैं इनके एजेंडे में इमामों के रोजों को गिराना भी शामिल है, और कोई शिया भी इस एजेंडे के ऊपर जिसमें इमामों के रोजों को गिराना शामिल हो शरीक नहीं हो सकता है। देशभक्ति और वतन परस्ती की इस्लाम में कोई जगह नहीं है, ऐसा लोग समझते हैं, आप बताइए कि इस सच्चा इस्लाम क्या है? ये बिल्कुल गलत तस्वुर है कि इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है। इस्लाम ने तो हुब्बुल वतन मिनल ईमान का नारा दिया है कि वतन की मोहब्बत जो है वो ईमान का जोश है, तो वतन की मोहब्बत अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। और इस्लाम तो खास तौर से वतन की मोहब्बत का हुक्म देता है, जिस जगह रहो जहां को शानदार बनाओ, जगह के ऊपर खिदमत करो। और हिंदुस्तान में एक ऐसा फिरका परस्त तबका मौजूद है कि जो मुसलमानों पर ये इल्ज़ाम दिया करता है कि ये देशभक्त नहीं है, जबकि हिंदुस्तान में जब मुसलमान आए और मुसलमानों ने आन के रहना शुरू किया तो उन्होंने अपने रिश्ते तमाम दुनिया से जहाँ जहाँ से आए थे वहाँ से तोड़ के इसी को अपना देश समझा, यहीं इमारतें बनाई, यहीं अपने घर बनाए, यहीं अपने मकबरे बनाए, हर चीज़ यहीं बनाई, और वो इसी मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करते रहे। आज़ादी की लड़ाई में भी उन्होंने हिस्सा लिया, सब कुछ किया। अब रह गया ये कि ये तो आपस में लड़वाने वाली बात है कि मुसलमानों के अंदर देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति व्यक्ति का सवाल नहीं है, मुसलमान देशभक्त है, हर मुसलमान देशभक्त है, और ये महज कुछ लोगों का इल्ज़ाम है। आमतौर से हिंदुस्तानी अवाम भी ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं। मौलाना साहब, हमारी यूथ मीडिया से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, ऐसा तो नहीं कि वो गुमराह हो रहे हैं और दीन से दूर हो रहे हैं? देखिए, हम इससे 100% एग्री नहीं करते हैं कि हमारे नौजवान दीन से दूर हो रहे हैं। हमारे नौजवान दीन से दूर नहीं हो रहे हैं। अब ये और बात है कि आजकल चूंकि हर दिन फैशन बदल जाता है, हर दिन हर चीज बदल जाती है, लिहाजा नौजवान उससे मुतासिर होते हैं। लेकिन आमतौर से हमने ये देखा है कि मुस्लिम नौजवान जो है वो अपने मजहब के साथ काफी अटैच है और काफी उसको मजहब से लगाव है। अब रह गया ये कि अगर कुछ लड़के बेरा राहों के निकल जाते हैं
तो इसके अंदर थोड़ा सा उनका भी कसूर है और थोड़ा उनके पेरेंट्स का भी कसूर है कि जो उनको वो शुरू से अच्छी मजहबी तालीम नहीं देते हैं, इसलिए उनके अंदर ये चीज़ पैदा हो जाती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मजलिस पढ़ता हूँ और मैंने अपनी मजलिसों में जहाँ जहाँ भी मैं पढ़ा हूँ हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान से बाहर, बहुत बड़ी तादाद में देखा कि नौजवान शरीक हो रहे हैं। मौलाना साहब, आमतौर पे मजलिसों में औरतों की जिम्मेदारी बयान की जाती है मगर उनके हुकूक कोई बयान नहीं करता मिंबर से, आप बताएं ऐसा क्यों? मैं देखिए, असल में किस्सा ये है कि औरतों को खुद ये बात कहना चाहिए तकरीर करने वालों से कि आप हमारे हुकूक पढ़िए, तो औरतों की तरफ से इस तरह की कोई डिमांड भी नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि ऑडियंस जो है सामने जो बैठे होते हैं वो आमतौर से मर्द होते हैं, इसलिए भी शायद औरतों के हुकूक जो हैं वो कम बयान होते हैं। लेकिन ये कि पढ़ने वाला खुद आमतौर से मर्द होता है लिहाजा वो कम बयान करता है। ये काम अब औरतों की मजलिसें भी जगह जगह होती हैं, औरतों को चाहिए कि अपना इल्म इम्प्रूव करें और जो इस्लाम में औरतों के हुकूक हैं उसको समझें और अपनी तकरीरों में वो औरतों के हुकूक को बयान करें। यही मैं समझता हूँ, और मर्दों से भी ये फरमाइश करवाएं जैसे मुख्तलिफ चीज़ों की फरमाइशें अंदर औरतों की तरफ से आती हैं कि आप औरतों के हुकूक जो हैं वो पढ़िए, तो अगर 10 से कहेंगी तो 2 तो पढ़ेंगे, इस तरीके से उसका रेशियो जो बढ़ेगा। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पे आए और हमारे स्टूडियो में 4 चांद लगाए। मगर जाने से पहले मेरी एक ख्वाहिश है कि आप हमारे यूथ के लिए एक मैसेज दे। यूथ के लिए हमारा मैसेज यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल करें और अपना वक्त जो है वो तालीम में गुजारें। और आजकल टीवी का, इंटरनेट का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का जमाना है, वो अपने को उन तहरीकों से अलग रखें जिसमें पढ़ के लड़के गुमराह हो रहे हैं या बिगड़ रहे हैं। न सिर्फ अपने को अलग रखें बल्कि अपने भाइयों पर, अपने दोस्तों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने बेतकल्लुफ जो लड़के हैं उन पर नज़र भी रखें कि कहीं वो किसी ऐसी तहरीक से मुतासर तो नहीं हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो उनको समझा के उससे रोकें। जी मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा शो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और हम आने वाले वक्त में ऐसे ही नए नए गेस्ट और नए नए प्रोग्राम्स हाजिर करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।